मैं हूं एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट श्वेता जुमानी और आप मुझे देख रहे हैं लाइव मराठी पे। स्वागत है आपका हमारे इस वीकली शो पे। आज बारी है नंबर 8 की। जी हाँ, 8 यानी वाट। अब मैं क्या करूं, ऊपर वाले ने वर्ड्स भी राइमिंग बनाए हैं। जो लोग 8, 17 या 26 को पैदा होते हैं या जो लोग कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियंस होते हैं और कुछ हद तक लिब्रा को भी नंबर 8 रूल करता है, तो आपको रूल करता है सैटर्न। सैटर्न यानी शनि। शनि भगवान के तो किस्से आपने खुद ही सुने हैं, करोड़पति कर देता है या करोड़पति करता है, उसमें हाथ शनि भगवान का ही होता है। लेकिन वजह होते हैं आपके कदम। हम उनको जज कह सकते हैं, आपने जैसे कर्म किए होंगे वैसे आपको फल मिलेगा। और कौन इस दुनिया में ये कह सकता है कि मैंने कोई पाप नहीं किया है, मैंने कोई बुराई नहीं की है, हम सब पापी हैं। आप लोगों ने देखा है कि आर्ट इज इन 2 सर्कल्स। तो कभी कभी पहली पार्ट ऑफ योर जिंदगी 30-35 साल बहुत स्ट्रगल होता है, कभी कभी उल्टा होता है, पहले अच्छा होता है बाद में बुरा होता है। लेकिन आई होप अगर शनि पकड़ना ही है तो यंग एज में पकड़े, क्योंकि जवानी में हम सब भूल जाते हैं, बुढ़ापे में नहीं पकड़ना चाहिए। बहुत ही बड़े नंबर 8 एग्जाम्पल हैं नरेंद्र मोदी जी। जी हाँ, कितनी स्ट्रगल की उन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए, हम सब जानते हैं कब से पॉलिटिक्स में है, क्या क्या उन्होंने नहीं किया, लेकिन आज उनको मिल ही गया। तो बहुत जिद्दी होते हैं 8 नंबर के लोग, प्लस कैप्रिकॉर्न्स एंड एक्वेरियन, इन्होंने जो ठान ली वो तो करते ही हैं। नेचर अच्छा होता है, काइंड हार्टेड होते हैं, लेकिन हाईली मिसअंडरस्टूड एंड थोड़े से अनलकी। कई लोग मुझे कहते हैं आपको अनलकी नहीं बोलना चाहिए, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तो मुझे भगवान ने जो काम दिया है मैं कैसे आपको गलत बताऊं, जो है वो है। सो अनलकी अगर मैं आपको बोलती हूँ तो आपके लिए इलाज भी तो मेरे पास ही है ना। आपके नाम का स्पेलिंग, नाम की स्पेलिंग करेक्ट कर दो, कलर्स करेक्ट कर दो, सिग्नेचर करेक्ट कर दो, हो गया, दैट्स इट। सो 8 नंबर बहुत स्ट्रगल से निकलता है, बचपन से ही तकलीफों में से निकलता है। आपको याद है ना, भुज में अर्थक्वेक भी 26 को आया था, सुनामी भी 26 को आई थी, बॉम्बे में बारिश 26 को आई थी, इंडिया में कासप 26 को आया था। आप गूगल करके देख लीजिए, मैक्सिमम अर्थक्वेक्स 8, 17 या 26 को ही आए हैं। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहती हूँ कि बुरी चीजें ज्यादा होती हैं, लेकिन हमारे पास इसके लिए इलाज है। अगर आपके बच्चे कैप्रिकॉर्न हैं तो जितनी भी पढ़ाई करते होंगे नंबर 1 नहीं पहुँचते हैं। अच्छे इंसान होते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं नंबर 8 के लोग, लेकिन अपने मंजिल पे पहुंचते पहुंचते इतना बोर हो जाते हैं, सोचते हैं कि छोड़ो मुझे चाहिए ही नहीं, अंगूर बहुत खट्टे हैं, मैं जो लेने निकला था अब मुझे नहीं चाहिए। लेकिन जब आपके दिमाग में ये ख्याल आए ना, तो और अपने आप को खुश कीजिए, क्योंकि आपको सब कुछ मिलेगा। तो दूसरों से थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है अनलेस आपने बचपन में ही स्पेलिंग का सहारा लिया है। तो मैं आपको बताऊंगी कि स्पेलिंग जरा सा चेंज करके आपकी पूरी किस्मत चेंज हो सकती है। कई लोग मुझे पूछते हैं छोटे छोटे बच्चों का रखें क्या हम लोग स्पेलिंग चेंज करके, किस उम्र में आपके पास आना चाहिए। मैं कहती हूँ एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हम अपना लक यूज करना शुरू करें व्हाई नॉट। अगर आपके बच्चे नंबर 8 हैं तो इनको स्पोर्ट्स की तरफ ढकेलिए, आगे जाके तो ये बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज चलाते हैं, कंस्ट्रक्शन में बहुत अच्छे होते हैं, रियल एस्टेट में बहुत अच्छे होते हैं। कुछ नंबर 8 लोग इतने लकी होते हैं कि जवान होने से पहले ही माँ बाप की तरफ से या इनहेरिटेंस उनको प्रॉपर्टीज मिल जाती है। प्रॉपर्टी में लकी होते हैं और हेल्थ में लकी होते हैं। और कुछ नंबर 8 हॉस्पिटल से बाहर आके वापस अंदर जाते हैं। सो एज आई टोल्ड यू, एक्सट्रीम होता है, इट्स नेवर द सेम। फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, जमीन, पृथ्वी, सोना, चांदी, मिनरल्स, जो भी चीज आप जमीन से निकाल सको उसके बिजनेस में ये लोग आगे रहते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा, रियल एस्टेट में तो लकी रहते ही हैं। तो जो नंबर 8 के लोग हैं, अगर वो लोग रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, दे विल सक्सीड मोर। सब तो नहीं कर सकते हैं, तो आप जो कर रहे हैं उसी को चलाइए, वहाँ 24 नंबर लिखिए। 8 नंबर के लोग IAS ऑफिसर बन भी जाते होंगे बहुत मेहनत के बाद, फिर भी वो टॉप पोजिशन पर नहीं पहुँच सकते हैं अगर आपकी स्पेलिंग ठीक नहीं है। तो करना बहुत कुछ चाहते हैं और करते भी हैं, समाज सेवा में आगे रहते हैं, लोगों का भला करने में आगे रहते हैं, अपनी लास्ट दमड़ी भी लुटा देंगे लोगों के लिए।
मदर टेरेसा एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, उन्होंने लेप्रेसी पेशेंट्स के लिए कितना कुछ किया। मुझे याद है मैं छोटी थी, उनके बारे में सब कहते थे क्रिश्चियन मिशनरी है, लोगों को कन्वर्ट कर रही है, ये सब न्यूज में पढ़ती थी। लेकिन अब लोग कहते हैं सेंट है। तो यही होता है। मेरे फादर श्री बंसीलाल एम जुमानी 20 जैन को पैदा हुए थे 1940, जब पूरा ऐड करो तो भी 8 नंबर पे जुड़ के आता है, और उनसे ज्यादा बदकिस्मत मैंने नहीं देखा था। लेकिन उसी शनि ने उनकी किस्मत कैसे पलटी, आज घर घर में न्यूमरोलॉजी आ चुकी है। न्यूमरोलॉजी के पावर्स जितने लोगों ने यूज किए हैं और एक्सपीरियंस किए हैं, ऑल थैंक्स टू माई फादर बंसीलाल एम जुमानी, क्योंकि वो इतने बड़े फ्लॉप थे कि उनके पास कुछ और चारा नहीं था सिवाय न्यूमरोलॉजी की बुक्स एज अ हॉबी पढ़ने की। और एज अ हॉबी उन्होंने पढ़ी, मेरे ब्रदर संजय भी जुमानी और मैंने सीखी, और आज हम आपके सामने हैं। सो हर बुरे वक्त के बाद अच्छा दिन तो आता ही है ना, रात के बाद तो उजाला होगा ही, कब तक उजाला नहीं होगा। सो नंबर 8 के जो लोग हैं, डोंट गेट डिसहार्टेंड, 24 आपके साथ है, ब्लू कलर आपके साथ है, सब नंबर 8 मुझे कहते हैं, मैम स्पेलिंग के साथ जो करना है करो, बट प्लीज डू नॉट मेक अ स्टॉप वेयरिंग ब्लैक। लेकिन ऐसे नहीं होगा, ब्लैक तो आपको छोड़ना पड़ेगा। शनि भगवान के ही हैं, शनि भगवान का कलर के कपड़े पहनोगे तो शनि और पीछे लगेगा। यहाँ एक बात और मैं क्लियर करूँ, बहुत लोग ये सोचते हैं कि क्योंकि हमारे ऊपर शनि है तो हम लोगों को जाना चाहिए सैटरडे को शनि टेम्पल, तो हर सैटरडे ये लोग शनि जी के पास जाते हैं। बिल्कुल ऐसा मत करिए, हनुमान टेम्पल जाना चाहिए क्योंकि हनुमान जी के पास शनि का तोड़ है। 8 नंबर के लोगों को खास करके अपने पैरों का खास ध्यान देना चाहिए, किसी न किसी तरीके से इनको चोट लगती है, वेन्स में प्रॉब्लम आ सकती है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनको हो सकता है लाइफ में वो है डिप्रेशन। वेन्स, ईयर्स, टीथ, इंटरनल ब्लॉकेजेस ये भी इनको सता सकते हैं। काफी नंबर 8 लोगों के लाइफ में किसी न किसी तरीके से सर्जरी जरूर होती है, कोई ना कोई पार्ट उनके बॉडी का ऑपरेट हो ही जाता है। 8 नंबर की बात निकली है तो धर्मेंद्र जी की तो बात करनी पड़ेगी। जी हाँ, 8 दिसंबर यानी सैजिटेरियन भी हैं साथ में, इसीलिए इतनी धड़ाम धड़ाम डिशुम डिशुम करते थे। रियल लाइफ एंड रियल लाइफ में रोमांस के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे, एंड दैट इज ऑल्सो ड्यू टू हिज नेम। जी हाँ, उनके पास एक बहुत चमत्कारी चीज थी, वो है उनका नाम धर्मेंद्र, जो एक्चुअल नाम नहीं है उनका, उन्होंने रखा धर्मेंद्र, और इसका टोटल आता है 33 पे। 8 दिसंबर को ही पैदा हुई है एक और महान हस्ती, शर्मिला टैगोर। अगेन 8 एंड अगेन दिसंबर एंड अगेन इनके नाम का टोटल भी 42 पे जुड़ के आ रहा है। सो इन दोनों लोगों के साथ उनके नाम की स्पेलिंग अच्छी थी तो करियर भी उनके दोनों के गजब हुए हैं। डिंपल कपाड़िया जी नंबर 8, राजेश खन्ना की लाइफ में आए, सब खत्म, राजेश खन्ना के लिए खत्म। उनकी मैरिड लाइफ भी अच्छी नहीं थी, यहाँ मैं आप लोगों को रिमाइंड करूंगी, अगर आप 4 या 8 को बॉर्न हैं, कोशिश कीजिए लेट शादी कीजिए, बहुत जल्दी शादी आपको सूट नहीं करती है। और हम सब जानते हैं डिंपल कपाड़िया की उम्र क्या थी जब शादी हुई थी, आपने देखा उसका नतीजा क्या हुआ। गौरी खान एक और नंबर 8, लेकिन उस वक्त शाहरुख खान से मिली जब शाहरुख खान कुछ नहीं थे, तो नंबर 8 कुछ नहीं को उठा के टॉप पे कर देता है, और राजेश खन्ना जो ऑलरेडी टॉप पे थे उनको बॉटम। लकी नंबर्स आप लोगों के होते हैं 1, 3, 5, 6, कोशिश कीजिए यही लोगों के साथ शादी करिए। लेकिन जिनकी शादियां दूसरे नंबर के साथ हो चुकी है, प्लीज डिवोर्स के लिए मत फाइल कीजिए, जो है वो है। लेकिन आप में से जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, आपके लिए 1, 3 या 6 में बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन कहूंगी। अनलकी नंबर्स आपके होते हैं 4, 8 एंड 9, आपके लिए आप ही का बर्थडे अनलकी है, तो वो डेट को ज्यादा मत यूज कीजिए। घर, गाड़ी, मोबाइल नंबर सब जगह 1 एंड 6 का यूज ज्यादा करिए। आपके लकी कलर होता है ब्लू ब्लू ब्लू, जी हाँ व्हाइट भी है, येलो भी है, आप सब कलर्स पहन सकते हो सिवाय काला और लाल। नॉर्मली नंबर 8 को कहा जाता है ब्लू सफायर पहनने को, लेकिन मैं कहती हूँ पहले आप लोग एमेथिस्ट पहनिए, अगर आपको एमेथिस्ट सूट हो गया तो आप ब्लू सफायर को जा सकते हैं। एमेथिस्ट यानी जामुनी ब्लू सफायर का एक सब्स्टिट्यूट होता है, जो 3 नंबर के लोगों के लिए भी बहुत सूटेबल है। ये देखिए पीछे रखा हुआ है, ये बड़ा पीस है एमेथिस्ट का, आप छोटा सा लॉकेट या रिंग पहन सकते हैं। एमेथिस्ट आपको पहनना होता है
या इवन ब्लू सफायर अगर आप पहनना चाहते हो तो आपको पहनना है इसको सैटरडे 2.5 घंटा सूरज डूबने के पहले। और इसका मंत्र है ओम शाम शनिश्चर्य नमः, जो आप 23 टाइम्स बोलेंगे पहनने से पहले। इस वक्त बहुत सारे 10वीं के बच्चों ने मुझे थैंक यू नोट्स भेजे हैं, उनके मम्मी डैडी ने थैंक यू भेजा है कि मेरा बच्चा तो सिर्फ 65-70 सोचा था लेकिन 85 आ गया। लेकिन मैं बात करूंगी आप ही के कोल्हापुर के आयुष कंजनानी की। इस बच्चे का वीडियो क्लिप देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि जो बच्चा कभी 70-72 से ऊपर नहीं लाता था, स्पेलिंग चेंज करके उसने लाया है 95%, और क्रिकेट में भी अभी अच्छा कर रहे हैं। ये सब बातें आप सुनिए आयुष की ही जुबानी। ये देखिए, माझा नाव आयुष कंजनानी, कोल्हापुर महाराष्ट्र। काही तास अगोदरच माझा 10वीचा निकाल जाहीर झाला आणि त्यात मला 95.20% एवढी पर्सेंटेज मिळाली आणि मी आश्चर्यात पडलो, कारण 9वीत 8वीत माझी एवढी पर्सेंटेज नसायची। आणि मॅ श्वेता जमानी मॅम यांना कन्सल्ट केल्यानंतर त्यांनी माझ्या स्पेलिंगमध्ये काही बदल केले आणि त्यातून मला असले यश प्राप्त झाले की मी माझ्या शाळेत आणि सेंटरमध्ये सुद्धा टॉप केलं, पहिला क्रमांक पटकावला। आणि मी अभ्यासात आणि क्रिकेटमध्ये सुद्धा माझा आता चांगला यश म्हणा मिळू लागलेला आहे। मी आता सर्व श्रेय श्वेता जमानी मॅम यांना देईन। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। मेरे खुद के पर्सनल यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, हर जगह आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं इस वीडियो पे। पर्सनल अपॉइंटमेंट के लिए आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू, सी यू नेक्स्ट वीक। और हाँ, पूरा हफ्ता ब्लू पहनना और 24 लिखना ना भूलिए। आज आमचे लाइव मराठी चे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करा आणि नोटिफिकेशन साठी